हरे कृष्णा, वेलकम टू आर चैनल द वे ऑफ लॉ। तो इस वीडियो में हम लोग डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर हम लोग क्या कोई डिफरेंस है इंडियन एविडेंस एक्ट और बीएसए में, हम कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे हैं, इस वजह से मैं ऐसे बता रही हूँ। तो देखो, अगर इसकी बात करूँ इंडियन एविडेंस एक्ट में, तो इसमें सेक्शन 3 था, ठीक है, और इसका जो नाम था इंटरप्रिटेशन क्लॉज था, ठीक है। लेकिन अभी जो है क्या है, बीएसए में ये सेक्शन 2 है, ठीक है, और इसका जो नाम है वो डेफिनेशन है। तो क्या कोई फ़र्क है? डेफिनेशन मतलब ये होता है वेरी स्पेसिफिक, ठीक है, कि ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है। लेकिन अगर हम लोग इंटरप्रिटेशन की बात करें, तो इसका मतलब ये कि इट्स नॉट वेरी स्पेसिफिक, इसका मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा डिटेल्ड होता है ना। एक डिफरेंस ये है। दूसरा ये है, जैसे सेक्शन 2 है तो इसके अंदर डिफाइन कर रखा है, जैसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, 2, 1, A, B, C ऐसे करके डिफाइंड है। लेकिन इसमें ऐसा मतलब इतना कोई स्ट्रक्चर नहीं था। इसमें क्या था, एक जो कोर्ट में ऑर्डर नहीं फॉलो होता, जैसे सबसे पहले कोर्ट होगा, है ना, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फैक्ट जाएगा कोर्ट में, फिर देखेंगे कौन सा फैक्ट रिलेवेंट है या नहीं है, फिर फैक्ट इन इशू क्या है। तो मतलब इस तरीके से जो था हमारा डेफिनेशन दे रखा था। लेकिन अभी क्या है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर है और थोड़ा स्ट्रक्चर्ड है। तो आज जो है एक एक करके हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे, कि हर डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से क्वेश्चन बन जाते पता नहीं। तो मैं कोशिश करूँ कि सारे क्वेश्चन भी कवर करूँ, इस वजह से इनको अलग अलग बता रही हूँ। तो सबसे पहले जो हमारा बीएसए के हिसाब से डेफिनेशन है, वो है हमारा कोर्ट। अब कोर्ट की डेफिनेशन जानना क्यों ज़रूरी है? मैंने आपको जब सेक्शन 1 पढ़ाया था, तो मैं इसमें ये था कि इंडियन एविडेंस एक्ट कहाँ पे एप्लीकेबल होगा, तो वहाँ पे लिखा था जुडिशियल प्रोसीडिंग, और जुडिशियल प्रोसीडिंग उसके आगे कुछ वर्ड्स लिखे गए थे, वो क्या लिखा गया था, इन और बिफोर कोर्ट। तो एक तो उस कंटेक्स्ट में भी हमें कोर्ट का मतलब जानना है, ये लगेगा किसके ऊपर, जुडिशियल प्रोसीडिंग जो कि इन और बिफोर कोर्ट हो रही है। तो एक कोर्ट का मतलब समझना तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इस वजह से हम लोग कोर्ट के मतलब को बहुत अच्छे से समझेंगे। और अगर हम लोग देखें कि डेफिनेशन में क्या कोई चेंज है, अंदर जो कंटेंट है डेफिनेशन का इंडियन एविडेंस एक्ट और बीएसए में, तो देखा जाए तो कोई भी चेंज नहीं है, ठीक है, दोनों में कोर्ट की डेफिनेशन सेम ही है। तो इसका मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन की बात करें तो कोर्ट मतलब क्या, तो कोर्ट मतलब बेसिकली इसके अंदर सारे डेफिनेशन देखें तो इसके अंदर सारे जजेस हैं, ठीक है, मैजिस्ट्रेट्स हैं, है ना, या वो पर्सन जो कि एविडेंस ले सकता है। और इसका एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या है, आर्बिट्रेटर, ठीक है। बाकी जो है इसमें सच इतनी सी ही बात लिखी गई है, लेकिन इससे क्या ही समझ आएगा, है ना। इससे एक चीज़ समझ आ गई, इससे एक चीज़ ये समझ आ रही है ना, कि मैजिस्ट्रेट भी लिखा और जज भी लिखा है। तो इसका मतलब ये है कि जो इंडियन एविडेंस एक्ट है वो सिविल कोर्ट में भी लगेगा और मतलब क्रिमिनल कोर्ट में भी लगेगा, है ना, सिविल मैटर्स और क्रिमिनल मैटर्स दोनों के लिए है, क्योंकि मैजिस्ट्रेट इज़ अ क्रिएशन ऑफ सीआरपीसी, जिसे हम लोग बीएनएसएस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये यानी कि क्रिमिनल मैटर्स, और जजेस मतलब ये हमारा सिविल की बात करता है, तो ये दोनों ही मैटर्स पे लगेगा, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन को समझते हैं, तो मतलब कोर्ट का मतलब क्या है। तो एक केस है, इस केस का नाम है सुप्रीम कोर्ट लीगल एड कमिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एक बार आप थोड़ा सा खुद सोचो कि क्या डेफिनेशन हो सकता है, आपको क्या लग रहा है, ठीक है। तो इस केस में बेसिकली ये कहा गया था कि कोर्ट कोई भी एक ऐसी एजेंसी है जिसे कौन क्रिएट करता है, जिसे सॉवरीन क्रिएट करता है। इसलिए क्रिएट करता है, जस्टिस को एडमिनिस्टर करने के लिए, तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। अगेन सॉरी फॉर माई बैड हैंड राइटिंग, एंड आई होप आपको समझ आ रहा होगा, मैं वर्ड्स बोल रही हूँ तो इतना कोई डिफिकल्टी नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो ओरिजिनली कोर्ट का पहले मतलब क्या होता था, मतलब यही होता था कि किंग की जगह, किंग्स पैलेस, है ना, तो ये हो गया इन ए कोर्ट। लेकिन अब तो क्या है, आप एक चीज़ देखना, जो मैंने बताया ना कि इन और बिफोर कोर्ट वाली लाइन दी, इन मतलब कि कोर्ट की बिल्डिंग या जो भी चीज़ें, मतलब फिजिकली आप ये मान सकते हो। बिफोर मतलब मैंने आपको बताया था क्या था, कि इन जज जहाँ पे प्रेजेंट है, तो मैंने आपको ये बताया कि जज और मजिस्ट्रेट जहाँ पे प्रेजेंट है, साफ साफ वहाँ पे बात पता लग रही है कि ये दोनों ही मैटर्स पे लगता है। अब इसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं, कोर्ट का मतलब समझने के लिए अभी वाली एक और केस देखते हैं। इस केस में बेसिकली ये बोला गया था, अब देखो, अब हम लोग कोर्ट की डेफिनेशन ट्रिब्यूनल के कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे। जब मैं आपको बता रही थी वहाँ पे कि किसके ऊपर एप्लीकेबल है, तो क्या लिखा गया था, ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इन और बिफोर कोर्ट। तो ये जो लाइन था ना, अगर सिर्फ जुडिशियल प्रोसीडिंग लिख के फुल स्टॉप रहता, इन और बिफोर कोर्ट नहीं लिखा रहता, तो ये ट्रिब्यूनल पे भी लगता,
है ना, लेकिन अभी क्या है, सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के ऊपर लगेगा। तो ये जो कोर्ट की डेफिनेशन है ना, मैं ट्रिब्यूनल के मतलब साथ में पढ़ना पड़ेगा, इससे कंपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि एक तरीके से ट्रिब्यूनल भी कोर्ट जैसे ही लगते हैं। तो इस केस में ये कहा गया था, इस केस में ये कहा गया था कि जो कोर्ट है जिसके पास मतलब पावर है कि वो डिसीजन दे सकते हैं, ठीक है, किसी भी तरीके का डेफिनेटिव जजमेंट दे सकते हैं, और उसके अंदर कोई अथॉरिटी होगी, ऐसी हवा में कुछ नहीं, वो जो बात बोलेंगे उनकी बात में ऐसा आएगा कि अथॉरिटी से आया हुआ है, ठीक है। तो ये है जो कि बात करता है कि कोर्ट का मतलब क्या है। तो और जो ट्रिब्यूनल्स है, ट्रिब्यूनल क्या होते हैं, ट्रिब्यूनल का मतलब अगर आप लोग को पता हो तो, अगर मैं एकदम मोटा मोटा भाषा में बोलूँ तो ये क्या होते हैं ना, कि इन्हें एग्जीक्यूटिव क्रिएट स्टेट मतलब बेसिकली बनाता है, किन मैटर्स के लिए, मैटर्स जो होते हैं बेसिकली एग्जीक्यूटिव मैटर्स हो सकते हैं या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स होते हैं, इन दो मैटर्स के लिए बेसिकली से स्टेट बनाती है। ये कोर्ट की तरह ही काम करते हैं, लेकिन पूरा पूरा कोर्ट नहीं होते, ये लोग किसी एक स्पेसिफिक मैटर से डील करते हैं, ठीक है। इनके पास कोर्ट जितनी ऑटोनॉमी नहीं होती है, कोर्ट जितनी पावर्स नहीं होती, ये कुछ स्पेसिफिक मैटर से ही डील करते हैं। अब इन लोगों के बीच में डिफरेंस क्या है, क्या कोई डिफरेंस है? हाँ, इन लोगों के बीच में डिफरेंस है, बहुत दो इसमें इंपॉर्टेंट केसेस हैं। तो सबसे पहले उन केसेस को हम लोग देखते हैं। इस केस में बेसिकली ये कहा गया, जब हम डिफरेंस पढ़ रहे हैं कोर्ट और ट्रिब्यूनल के बीच में, तो इसमें ये कहा गया कि जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं ना, उनका किसी भी तरीके का हायरार्की, मतलब जैसे हम नॉर्मल कोर्ट्स देखते हैं ना, जो हमारे कोर्ट्स रहते हैं उनमें एक तरीके की हायरार्की रहती है, ठीक है, कोर्ट का डिवीजन रहता है, लेकिन इसके अंदर किसी तरीके की हायरार्की नहीं है। ऑल्दो इनके पास इनकी वैल्यू है, मतलब जैसे कोर्ट की है, इनकी भी वही वैल्यू है, इनके पास बहुत सारे राइट्स हैं, मतलब एविडेंस ले सकते हैं, ओथ, लेकिन फिर भी ये लोग कोर्ट नहीं कहलाते हैं, ठीक है। जो ट्रिब्यूनल है वो एक जेनेरिक टर्म है, ठीक है, और एक तरीके से ये क्या है, जुडिशियल, मतलब ये जुडिशियल पावर जो है उसका एक्सटेंशन है, ये नहीं कि जुडिशरी की पूरी पावर ही दे दी गई, नहीं, बस एक छोटा सा एक्सटेंशन है, और क्या है, सिर्फ और सिर्फ लोग स्पेसिफिक मैटर से डील करते हैं, बाकी जो रेसिडुअल मैटर रहते हैं या जो हायरार्की रहती है वो सब हमारे नॉर्मल कोर्ट्स में है, ठीक है, कोर्ट्स में एक हायरार्की रहेगी, ठीक है, और क्या है, उनके पास वो सारे मैटर्स के साथ डील कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ट्रिब्यूनल बहुत ही लिमिटेड स्कोप के होते हैं। फिर एक और इसके रिगार्ड में एक इम्पॉर्टेंट केस है हमारे पास, उस केस का नाम है हम रॉजर मैथ्यू का केस है, रॉजर मैथ्यू वर्सेस साउथ इंडिया बैंक। इस केस में क्या कहा गया, इस केस में ये कहा गया कि ट्रिब्यूनल जो है वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ केसेस से डील करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन जो कोर्ट है वो सारे केसेस के साथ डील करते हैं। फिर अगला केस है जो हमारे पास इस रिगार्ड में, वो है हमारे पास रॉजर मैथ्यू का केस। इस केस में ये कहा गया कि जैसे मैंने आपको बताया, जो ट्रिब्यूनल है उन वो सिर्फ और सिर्फ कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि वो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग कोर्ट के पास देखें तो उनके पास बहुत सारे फंक्शन हैं, सिर्फ के मतलब देखो, एक तो इन लोगों के पास जुडिशियल रिव्यू का पावर है, है ना, जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, किसी लॉ को अपहेल्ड कर सकते हैं, है ना, मतलब बहुत सारे रेंज ऑफ फंक्शन है ना, जो कि एक ट्रिब्यूनल के पास नहीं है। ट्रिब्यूनल को जैसे कुछ थोड़ा सा काम दे दिया गया, और जैसे मैंने हायरार्की वाली बात बोली, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है, तो बेसिकली इनका फंक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, दे आर ग्रेटर, है ना। ट्रिब्यूनल को तो बस एक छोटा सा, बस ईज करने के लिए, एक काम थोड़ा कम करने के लिए, थोड़ा बर्डन कम करने के लिए, थोड़ा स्पेशलाइज, इन लोगों के पास थोड़ी ज़्यादा नॉलेज रहते हैं, थोड़ा स्पेशलाइज्ड बॉडी क्रिएट करने के लिए इन लोग को बनाया गया, और कोई पर्पस नहीं है। जो एक्चुअल में सेंसिटिविटी है वो तो हमारे कोर्ट की ही सेंसिटिविटी है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ कि ये जो ट्रिब्यूनल से क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने क्रिएट किया है, तो देखो कोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो ऑब्वियसली ये तो हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट थे ही, लेकिन अगर मैं ट्रिब्यूनल्स की बात करूँ, हाँ ठीक है, वो लोग ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे, ठीक है, वो लोग हमारे जब 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया 1976 में, तो इसके अंदर क्या हुआ कि हमारे दो आर्टिकल्स डाले गए, ठीक है, आर्टिकल 323A और 323B, ठीक है। तो इसमें हमारे ट्रिब्यूनल्स बनाए गए। 323A में जो थे हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात करी गई, है ना, और जो 323B में हमारे बाकी मैटर्स के लिए, जैसे कि आप देख सकते हैं इंडस्ट्रियल मैटर्स के लिए, है ना, लैंड रिफॉर्म के मैटर्स के लिए। तो इधर हमने किसकी बात करी, ट्रिब्यूनल्स बनाने की। तो जो ट्रिब्यूनल डिसीजन देता है उसे हम लोग अवार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रिब्यूनल जो हमारा डिसीजन देगा उसे अवार्ड कहेंगे। लेकिन यहीं पे अगर जो कोर्ट देता है उसे क्या कहते हैं? जजमेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर है। देखो इतना कुछ बहुत ज़्यादा इसमें बड़ी बात नहीं है, बहुत मतलब छोटी छोटी बात है, है ना, उसे बस थोड़ा ध्यान से देखना है। और भी डिफरेंस है। एक ना कहावत होती है नॉर्मली कि मतलब
जैसे कोई गेम खेलते थे बचपन में, तो देखना कोई जब बहुत अच्छा गेम नहीं खेलने में होता ना, तो बोलते हैं इसकी दूध भात है ना, मतलब इसको कंसेशन है, इसको छूट है। तो ट्रिब्यूनल भी एक ऐसा कोर्ट है जिसकी दूध भात है। कैसे, जैसे बताती हूँ, ट्रिब्यूनल को कोई कोड ऑफ प्रोसीजर फॉलो ही नहीं करना है एकदम, मतलब ऐसा नहीं कि स्ट्रिक्टली से ये लॉ फॉलो करना है, ये फॉलो करना है, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। और ये क्वाज़ाई जुडिशियल इन नेचर है, कम्प्लीटली मतलब जुडिशियल इन नेचर भी नहीं है। इन्हें स्टेट लेजिस्लेचर है ना या पार्लियामेंट बनाती है, तो बेसिकली क्वाज़ाई जुडिशियल इन नेचर है। और टेन्योर ऑफ जज जो रहता है वो फिक्स रहता है, लेकिन इनका क्या है, इनका ऐसा नहीं है, वो ये एग्जीक्यूटिव के हैंड में है। और जो मैंने आपको बताया कि कोर्ट जो है वो एविडेंस वगैरह के रूल को देखती है, लेकिन ये ट्रिब्यूनल क्या देखते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को फॉलो करती है। नेचुरल जस्टिस क्या होता है, जैसे जस्टिस, इक्विटी, गुड कॉन्शियंस, इन सब चीज़ों को देखती है। फिर कोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट से बाउंड है। प्रेसिडेंट मतलब क्या होता है, प्रेसिडेंट मतलब आई होप यू ऑल नो, प्रेसिडेंट मतलब जिसने पहले सेम केसेस में कैसे जजमेंट दिए हैं, तो उसे वो फॉलो करती है नॉर्मली, है ना। ये नहीं कि इस मतलब सेम मैटर में कभी कुछ और कभी कुछ और, है ना, हवा के साथ बदल रहे हैं, जो मन कर रहा है वो कर रहे हैं, नहीं, ठीक है। रेस जुडिकेटा, इतने सारे प्रिंसिपल्स हैं जो कि मतलब कोर्ट्स को फॉलो करना पड़ता है, एस्टॉपल। लेकिन ट्रिब्यूनल को कहाँ ये सब करना पड़ता है, उसकी तो दूध भात है, मतलब बस, है ना, दूध भात वाला कोर्ट है। व्हाट एन एग्जांपल, बट आई होप इट्स क्लियर, राइट। एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये है कि क्या इंडियन एविडेंस एक्ट रेवेन्यू कोर्ट्स पे लगता है, तो व्हाट डू यू से। तो इसका आंसर बहुत सिंपल सा है, इसका आंसर ये है कि देखो बहुत सारे रेवेन्यू कोर्ट्स हैं, ठीक है, एक दो तो रेवेन्यू कोर्ट नहीं, बहुत सारे रेवेन्यू कोर्ट्स हैं। और उन्हें कौन गवर्न करता है, स्टेट के लोकल लॉज गवर्न करते हैं, है ना, ये तो क्लियर है। तो अब क्या होता है, जो भी स्टेट है, कोई स्टेट अगर गवर्न करता है तो मतलब यूनिफॉर्मिटी नहीं है, ठीक है। किन लॉ से गवर्न हो रहे रेवेन्यू कोर्ट हर स्टेट में, उसमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। तो कुछ स्टेट ने उन्हें पावर दे रखी है सिविल कोर्ट की, है ना, और कुछ ने नहीं दे रखी। तो जहाँ पे सिविल कोर्ट की पावर दे रखी है, मतलब वहाँ पे इंडियन एविडेंस एक्ट लगेगा। अब इंडियन एविडेंस एक्ट लगेगा तो उसे कहा जा सकता है कि हाँ वो कोर्ट है, लेकिन अब जहाँ पे सिविल कोर्ट की पावर ही नहीं है, इंडियन एविडेंस एक्ट ही नहीं लग रहा है, तो वहाँ पे तो कैसे कहा जाएगा कोर्ट है, है ना। तो यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी मिसिंग है, क्लियर है। तो ऐसे ही करके आप और भी चीज़ें, मतलब ऐसे ही और भी ट्रिब्यूनल्स का एग्जांपल देख के आपसे मतलब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ऐसे ही और भी मतलब आपसे चीज़ों का डेफिनेशन पूछा जा, मतलब चीज़ें बॉडी लिखी जा सकती है ना, वो ट्रिब्यूनल होगा या फिर मतलब जैसे भी हो, आपसे पूछा जाएगा कि ये ट्रिब्यूनल है या कोर्ट है ना, या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि क्या उस पर इंडियन एविडेंस एक्ट लगेगा कि नहीं लगेगा, है ना। तो आपको पहले ये डिटरमाइन करना पड़ेगा कि वो कोर्ट है या नहीं है, क्योंकि सेक्शन 1 में इसकी एप्लीकेबिलिटी हमने पढ़ी थी, ठीक है, कि कोर्ट है या नहीं है। अगर कोर्ट होगा तो ही उस पर इंडियन एविडेंस एक्ट लगेगा ना। तो किसी भी चीज़ से पूछा जाए कि इंडियन एविडेंस एक्ट इस पर लगेगा या नहीं लगेगा, आप पहले ये देखो कि क्या वो कोर्ट है या नहीं है। अगर वो कोर्ट है तो ही उस पर इंडियन एविडेंस एक्ट लगेगा, कोर्ट नहीं है तो उसमें इंडियन एविडेंस एक्ट नहीं लगेगा, बात सेक्शन 1 में लिखी गई है, ठीक है। तो ये क्लियर है। अच्छा, ये मैंने आपको बताया ना, ये भी पूछा जा सकता है कि सिविल और क्रिमिनल मैटर्स दोनों पे लगता है, कहाँ पे लिखा है, तो कहीं एक्सप्रेसली लिखा तो नहीं है, लेकिन इसकी जो डेफिनेशन है कोर्ट के, यहाँ पे क्या लिखा है, जजेस एंड मैजिस्ट्रेट। तो जजेस इज़ फॉर सिविल एंड मैजिस्ट्रेट इज़ फॉर क्रिमिनल। आई होप इट इज़ क्लियर। मैं कभी कभी चीज़ों को रिपीट कर रही हूँ बिकॉज आई वॉन्ट कि एवरी वन हैज़ डिफरेंट वे ऑफ एक्सप्लेनेशन फर्स्टली, एंड सेकेंडली आई वॉन्ट कि इट शुड बी वेरी क्लियर, है ना। मैं आपसे कह रही हूँ कि टाइम मत वेस्ट करो, अगर पॉसिबल है, अगर आप देख पा रहे हो तो मैं कह रही हूँ कि आप 2x की स्पीड पे देख लो, है ना, लेकिन इसे समझो ठीक से, है ना, उसे क्लियर करो। कोई भी डाउट आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, आप पूछो मुझसे, क्या पता मैं सॉल्व कर पाऊँ, बिकॉज ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मैं काम कर रही हूँ, तो मे बी मैं वो डाउट क्लियर कर सकती हूँ, है ना। और आप कुछ बताओगे तो मे बी मैं भी सीख सकती हूँ, बिकॉज म्यूचुअली वी आर ग्रोइंग, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इट इज एनी डाउट एनी फीडबैक एनीथिंग, डू मेंशन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू, हरे कृष्णा। वीडियो तो एंड हो चुकी है, पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टा आईडी पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।